India, the fastest growing democracy in the world. And we are in the heart of its capital, Delhi, the fastest growing economical state of the country. And we are at UPSC, who gives us the best officials to the country, who serves the nation for better India. Hi, my name is Nikita and welcome back to India Knowledge Network. And we invite you to join us and be a part of this journey. My name is Ankit Mishra. I'm from Kanpur, Uttar Pradesh. I have done my engineering in electronics and communication, and this was my first attempt as an interview. My optional was geography. It was very surreal. I think very different that I faced during that my mock, and it was good. Yeah, I'm not pretty sure about my selection and all. I will not say anything about it, but yeah, it was good. First, jo tha wo सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इनिशिएट हुआ एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन के बाद देन उन्होंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जो नॉर्मली कैजुअली हम लोग मॉक्स में भी देते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू सिविल सर्विसेज बिकॉज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की हुई है तो डेट्स वाई दे ये जेन्युइन था क्वेश्चन तो मैंने उसका आंसर दिया उसके बाद उन्होंने कुछ स्टैटिक पार्ट पूछा जैसे कि उन्होंने डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन जो मेरी हॉबीज थी मैंने उसमें लिखा था कि जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो मुझे बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो उन्होंने मुझसे एक कैजुअल सा क्वेश्चन पूछा कि अभी जो चाइना के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर कुछ उन्होंने दो चार कुछ डिस्कशंस मेरे साथ किए और काफ़ी हम्बल था चौबे सर का पैनल और नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कुछ स्टैटिक पार्ट में था उन्होंने फिर मुझसे ज्योग्राफिकल स्टैटिक पार्ट पूछा कि जो इंडिया LAC कितना क्लेम करता है और टोटल LAC बाउंड्री कितनी है और चाइना कितना क्लेम करता है तो उसमें फिगर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था कि कितना होगा कितना नहीं होगा एंड आफ्टर डैट मेरे अभी कुछ ज्योग्राफी ऑप्शनल से फिर क्वेश्चन पूछा जो अभी टर्की में जो ब्लैक सी पे ऊपर जो सीज नॉटिंग हुई है उसके ऊपर मुझसे पूछा क्या रीजंस थे क्या नहीं थे ऑल द मैं थोड़ा सा फॉरगेट कर रहा था उसके ऊपर बट दे हेल्प मी दे गिव मी अ सॉर्ट ऑफ हिंट एंड देन आई कंटिन्यूड माई आंसर एंड इंटरव्यूज वॉज अबाउट 30 to 35 मिनट्स एंड फाइनली कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे और कुछ सिचुएशंस उन्होंने दी थी कि हाउ डू यू टैकल इन अ सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दैट्स इट आई थिंक नर्वसनेस होती है क्योंकि जब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और फर्स्ट बार इंटरव्यू आप दे रहे होते हो तो बहुत ही टेंस होता है ऑल्दो आपने क्या कहते हैं दिए हुए होते हैं आपके मॉक्स होते हैं लेकिन टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पहला एक्सपीरियंस ऑलवेज बी अ फर्स्ट एक्सपीरियंस आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो सेकेंड भी होगा सेलेक्शन होगा जब भी होगा लेकिन फर्स्ट विल बी योर फर्स्ट आई थिंक मोटिवेशन का जो भी आपके लिए एक अंदर से आता है आपको करना है लुक एट योर फैमिली सिचुएशन कि आपकी फैमिली किस सिचुएशन में है आपको कैसे करना है क्या करना है आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा बिकॉज UPSC प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू बी अ मैच्योर इनफ तो आई थिंक कि अपने आप से आता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में अपनी बताऊं तो करंट अफेयर्स बहुत ही मेन था मेरा कभी भी न्यूज़पेपर स्किप नहीं करता था और किसी को नहीं करना चाहिए और जो मैगजीन्स हैं उनको भी अच्छे से फॉलो करना चाहिए सेल्फ स्टडी की थी फर्स्ट अटैम्प्ट था सेल्फ स्टडी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट बहुत है यूट्यूब में कन्फ्यूज़ हो जाओगे किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है और कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इंटरनेट से पढ़ते टाइम बट आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि आपको फोकस रहना है एक फोकस वे में अपनी स्टडी करनी है और दूसरा चीज़ कि करंट अफेयर्स को इस तरीके से आपको लेके चलना है कि एक कनेक्टेड वे में लेके चलना है फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में कोई भी इशू उठता है तो उसको आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी कनेक्ट करना पड़ेगा कि पिछले जो केसेस हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट ने केसेस दिए हैं वहाँ पे उसके ऊपर क्या इशू आया था किस तरीके से आया था तो आपको वो थॉरली करके अपना चलना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन योर थॉरो प्रिपरेशन बिकॉज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा दूर लेके जा सकता है और थोड़ा सा फोकस आपको बहुत ज़्यादा पास लेके आ सकता है तो प्रिपरेशन मस्ट बी लाइक टाइम दो अपना अच्छे से करो और बी फोकस ऑन योर प्रिपरेशन दैट्स इट यही एडवाइस दूंगा कि कॉन्फिडेंट रहो अपनी प्रिपरेशन को लेके रखो इफ़ इन केस फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं भी हो रहा है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो जर्नी यहीं से ख़त्म है बिकॉज बहुत लॉन्ग जर्नी है किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है किसी का फोर्थ में जाके पूरा निकलता है या कोई फर्स्ट में प्री नहीं निकल पाया है तो ऐसा डीमोटिवेट होने वाली चीज़ नहीं है मॉक टेस्ट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है इवन वीक में एक तो देना है जैसे मेरा क्या था मेरी स्ट्रेटजी में संडे का दिन मॉक टेस्ट के लिए रख लेता था और मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे मॉक में जब मैंने इनिशिएट किया था क्योंकि कई बार बच्चों का ये डर रहता है कि यार अभी प्रिपरेशन पूरी है नहीं अभी इसे मॉक दूंगा
तो मार्क्स कम आएंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। और मैंने जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे 30 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में, तो इसीलिए। और आंसर राइटिंग भी आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे भले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही स्ट्रेटजी, और बाकी तो यूट्यूब में इतने सीनियर्स और इतने स्ट्रेटजिकल बताते ही रहते हैं, तो वहाँ से फॉलो करो थोड़ा मोटिवेट लेने के लिए। इधर उधर देखो, किसी दूसरे से मोटिवेशन से अच्छा है खुद से मोटिवेशन लो, यही है बस। वेरी पॉजिटिव एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी वॉन्ट यू टू स्कोर वेल योर डिजायर्ड रैंक दिस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।